जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी कथित शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांतर दत्ता की पीठ अरविंद केजरीवाल केस की सुनवाई कर रहे हैं, जहां पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कोर्ट में कहा कि हम लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं, ताकि वो अपनी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार कर सके। अगर इस समय लोकसभा चुनाव नहीं होते तो केजरीवाल के अंतरिम जमानत देने का कोई सवाल ही नहीं बनता। जिस पर कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के कारण केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना नेताओं के लिए एक अलग श्रेणी बनाने के समान होगा। अगर आप केजरीवाल को जमानत देते हैं तो जेल में बंद हजारों सांसदों को भी आपको जमानत देनी होगी। ऐसा करके हम क्या उदाहरण पेश करेंगे? वहीं जेल में बंद अपराधी को चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी नहीं है, तो क्या हम एक राजनेता को चुनाव प्रचार करने का अधिकार कैसे दे सकते हैं, जबकि वो खुद चुनाव भी नहीं लड़ रहा है? एएसजी तुषार मेहता ने आगे कहा कि अगर केजरीवाल ने जांच में सहयोग किया होता और नौ समन को नजरअंदाज नहीं किया होता तो उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जाता। वो तो खुद ही जज बन बैठे और ईडी को बार बार बुलाने पर भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और हर बारी समन को नजरअंदाज करते रहे। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल JMD न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रिपोर्ट के साथ, तब तक देखते रहे JMD न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और पाए हर खबर इधर।